तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। ज्यादा लंबी तो नहीं, छोटी सी क्लिपिंग ही है। विषय है हरियाणा क्लर्क का। वैसे इस बारे में 2-3 साल पहले कुछ मित्र मिले थे, उनसे डिस्कशन हुआ था इस बारे में कि हरियाणा की जो क्लर्क पे स्केल है वो थोड़ा क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं। तो मैं मजाक मजाक में यह बोला कि मखैर पहले तो नौकरी मिलनी मुश्किल है, और नौकरी मिल जाए तो तनख्वाह बढ़ाने का रोड़ा न्यारा आ जावे है। तो फिर उनके गल देखो मजाक का विषय था, फिर उन्होंने बताया भी उनके साथ जाति क्यों करो रही है। 1988 के अगर हम जिक्र कराना तो उस टाइम पे जेबीटी और क्लर्क की तनख्वाह लगभग बराबर थी। शायद जेबीटी वाला की 10% 5% कम तनख्वाह थी क्लर्क से, जबकि एक स्कूल में एक जेबीटी टीचर की भूमिका बहुत कम हुआ है। वैसे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाना है, ओहदा बड़ा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में अगर 10 टीचर हैं और ऊपर प्रिंसिपल है तो उसका उतना ही 10वां ही हिस्सा है एक टीचर का, क्योंकि प्रिंसिपल की हेडेक ज्यादा है फिर सारे डिपार्टमेंट की। तो एक टीचर की इतनी हेडेक नहीं है। बात करा क्लर्क की, आज के टाइम पे या 1988 की बात है, जब 10% एक जेबीटी टीचर की तनख्वाह कम थी क्लर्क से, आज 2023, अब तनख्वाह सुनकर होश उड़ जाऊंगे, लगभग 3 गुना क्लर्क से जेबीटी टीचर की तनख्वाह ज्यादा है, 3 गुना। अचंभे वाली बात है। जब मैं उनसे बात करूं था तो उन्होंने बताया कि जगदीप हमारा दोष के है, हालांकि दोनों ग्रेजुएशन बेस है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लर्क की है, पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा देख क्लर्क की है, डिपार्टमेंट में कहीं कोई गड़बड़ हो जो उंगली टिकेगी क्लर्क पे, क्लर्क की पकड़ सबसे ज्यादा है। मतलब इतनी हेडेक होने के बाद भी जेबीटी टीचर से 3 गुना कम तनख्वाह एक क्लर्क की है, बड़ी शॉकिंग न्यूज है। हर 10 साल बाद पे ग्रेड जो है, पे स्केल रिवाइज हुआ करे, तनख्वाह बढ़िया करे, लेकिन इन 10, 20, 25, 30, 35 साल में, लगभग 40 साल, 35 साल मानो, इन 35 साल में क्लर्क का पे स्केल नहीं बढ़ा। अब वो 35,400 मांगे हैं, तो मैं तो नुए को भाई 35,400 से भी ज्यादा देना चाहिए। और सच में आज तक मैंने जितनी वैकेंसियां पे बनाई वीडियो, जितनी मैंने ओपीएस पे बनाई, या जितना मैंने जहां भी काम करा, मैंने यूं लगा है कि मुख्यमंत्री साहब को, वैसे तो सबके बारे में विचार करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन एक क्लर्क वैकेंसी ऐसी है, क्लर्क डिपार्टमेंट ऐसा है जिस पर सारा डिपार्टमेंट निर्धारित है, सबसे ज्यादा भड़क का काम क्लर्क का है, तो मुख्यमंत्री साहब ने पर्सनली इनके बारे में सोचना चाहिए। और सच बताऊं, क्लर्क इतनी भड़क लेंदा होया भी फिर भी पूरे परिवार ने पाला है, और आज के स्तर में सबसे कम तनख्वाह, अगर पीएन से थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह है तो क्लर्क की है। तो मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और सच में बहुत ज्यादा परेशान है। बाकी अब कल से मैं इस विषय पर काम करना शुरू करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।